पंजाबियों के पीछे कितने सारे इंसानों का, कितने सारे महापुरुषों का योगदान रहता है। आज हम एक महापुरुष से जानेंगे कि एक चैंपियन बनने के लिए क्या मटेरियल चाहिए और प्रेमचंद जी ने के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस है। मैं हरपाल सिंह का हूँ, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब सरकार। अभी अभी रिटायर हुआ हूँ, लेकिन श्री प्रेमचंद देगरा जी जो मिस्टर यूनिवर्स बने हैं, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में मेरे साथ उनका काफ़ी तालमेल रहा है। शुरुआत में जब वो खालसा कॉलेज में दाखिल हुए और उन्होंने वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग के लिए अपना योगदान खालसा कॉलेज की तरफ से भाग लेकर यूनिवर्सिटी में मिस्टर यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बने, उसी साल ही उन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का झंडा बुलंद किया और गोल्ड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। सर, यहाँ पे हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि जब वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे थे या जब वो यूनिवर्सिटी के लिए आए तो उनकी फिजिक ऑलरेडी कैसी थी, उनके 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 साथ उनका जो फिजिक, उनकी जो बॉडी टाइप था, क्या उनको तैयारी करनी पड़ी या उनको लोगों जैसे बोलते हैं कि आप पहले जिम जाइए फिर आप एक्सरसाइज लगाइए उसके बाद में आप शेप के ऊपर चलिए, तो कुछ ऐसा था उनके साथ? उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो गॉड गिफ्टेड था और शुरू से ही वो अपीयरेंस से ही एक अच्छे बॉडी बिल्डर लगते थे और अक्सर रिलैक्स होने के लिए मेरे पास स्विमिंग पूल पे आते थे। उस समय मैं तैराकी कोच था खालसा कॉलेज में खेल विभाग की तरफ से, और जब भी उन्होंने रिलैक्स होना तो मेरे पास जरूर आना। रिलैक्सेशन, मसल्स की रिलैक्सेशन को डेवलप करने के लिए स्विमिंग बहुत ज़रूरी चीज़ बनी हुई है। उसी की वजह से वो चिड़िए चढ़ने के मोस्ट ऑफ द एथलीट्स जो है उनको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आप स्विमिंग और स्पा और ये सब चीज़ें चाहिए रहती हैं। ये बिल्कुल लास्ट लेवल की ट्रेनिंग के बीच में यूज आता है जब आपका बॉडी का जो एक टेम्परेचर है वो उसको कूल डाउन करने के लिए हमें उसको रिलैक्स करने के लिए हमें कोई और एक्टिविटी के बीच में हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो सर, यहाँ पे मैं जरूर जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस सर के साथ कैसा रहा? आई मीन अगर मैं बात करूँ कि इन पर्सन वो कैसे हैं? इन पर्सन श्री प्रेमचंद डेगरा जी तो बहुत ही नेक इंसान हैं और उनकी हर खिलाड़ी के प्रति जो इच्छा होती है वो यही होती है कि हर खिलाड़ी हर गेम में उच्च कोटि का बने और हमेशा वो उच्च कोटि का बनने के लिए सलाह देते हैं। सर, आप अगर आज के दौर के चैंपियंस को और प्रेमचंद जी के दौर के चैंपियंस को अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो उसके बीच में आपका क्या डिफरेंस ढूंढते हैं, आपको आप क्या डिफरेंस पाते हैं? प्रेमचंद डेगरा जी तो एक उदाहरण बन के पंजाब में, हिंदुस्तान में उभरे हैं। बाकी आने वाले जितने भी एथलीट्स हैं भिन्न भिन्न खेलों में, वो प्राप्ति करने के लिए डेगरा जी उनके लिए एक एग्जाम्पल बन के एग्जाम्पल बने हुए हैं और उनकी प्रेरणा से ही आने वाले हमारे जितने बॉडी बिल्डर हैं, जितने दूसरे भी थीम्स हैं, उनसे प्रेरणा हमेशा लेते रहते हैं। सर, यहाँ पे अगर हम गेम का कंपैरिजन करें तो तब की गेम में और आज की गेम में अगर हम स्विमिंग की बात करें और बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो क्या डिफरेंस आप? देखो, आज से तकरीबन कोई 30 साल पीछे की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय इतनी फैसिलिटीज एडवांसमेंट नहीं थी जितनी अभी हिंदुस्तान में एडवांसमेंट आई है, क्योंकि
हर एथलीट को, हर खिलाड़ी को उच्च कोटि का बनने के लिए उसको एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए भारत सरकार, पंजाब सरकार बहुत उद्यम कर रही है। पहले इतना फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जितनी आजकल। जी, ऐसा है कि हमने एक एपिसोड कवर किया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर गुरुजी ने बताया था कि उन्होंने तैयारी कैसे की थी। जैसे सर ने बोला कि एडवांस लेवल की चीज़ें तब नहीं थी, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस, उनके पास वो तजर्बा, उनके पास वो लगन थी कि वो उस एफर्ट को मार्वलस कर सकें और एक चैम्पियन बनने की जो राह थी वो उनके लिए आसान हो गई। तो सर, एक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको याद हो कि एक जो दर्शाता है कि वो एक चैम्पियन मटीरियल थे गुरु जी? कॉलेज डेज में जब उन्होंने प्रवेश किया, तो मैं कॉलेज डेज की बात जानना चाहता हूँ, और उसके बाद भी जब वो मिस्टर यूनिवर्स बने जी, तो मैं अमृतसर से ट्रांसफर होकर हुशियारपुर में आ गया जी, और वो भी मिस्टर यूनिवर्स बनकर जे सी टी मिल चौहाल हुशियारपुर में जी, उन्होंने जे सी टी मैनेजमेंट ने उनको एज स्पेशल बॉडी बिल्डर अम्बेसडर ऑफ द जे सी टी मिल अम्बेसडर ऑफ जे सी टी, जो कि बहुत बड़ा एक नाम है हमारे देश के अंदर, उनके उस फर्म के जे सी टी के वो ब्रांड एम्बेसडर थे। ब्रांड दिस इज वेरी बिग थिंग जी। और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद पंजाब सरकार ने भी महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड दिया जी, उसके बाद भारत सरकार ने भी उनको पद्मश्री से नवाजा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। सर, कोई मेरे दर्शकों के लिए मैं सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंट जानना चाहूँगा कि जिससे कि जब वो स्टेज के ऊपर गए तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि लोगों की आँखें खुली की खुली रह गई हो, कुछ ऐसा जब आपके टाइम के ऊपर, क्योंकि आप तो साथ में रहे हैं ना, तो बिकॉज आज की जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा स्पीड अप है, तो मेरी जो यंग जनरेशन है मैं इनको चाहता हूँ कि ये लोग कुछ ऐसा मतलब कि जो एक चैंपियन बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप एक ऐसा कोई पॉइंट उनको बताइए जिससे वो एक प्रेरणा स्वरूप उनके लिए रहे। प्रेमचंद देगरा जी जब मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन के लिए अब्रॉड बाहरले देश में गए, उनके मन में एक जुनून भरा हुआ था, एक जज्बा भरा हुआ था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनकर आऊँगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास वो जुनून, वो जज्बा, वो एक डेडिकेशन और एक जो एक कहते हैं कि पत्थर की लकीर, वैसी डेडिकेशन आपके पास होनी चाहिए जिससे देखिए, गुरुजी के पास ना तो कोई फैसिलिटी थी, ना उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके पास जो उनके पास था वो हमने आपको बताया कि एक रॉड की बेंच था, उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया और उन्होंने दुनिया को जीत लिया। वो एक जो इंसिडेंट था वो था उनकी डेडिकेशन, उनकी लगन और उनके जो दोस्त हैं। आज की डेट में हम अपने दोस्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जो कि सबसे गलत बात है, और हमारे दोस्तों के, हमारे जो वेलविशर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हम उनके ऊपर ट्रस्ट करना भूल रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, राइट सर?